मुल्तान की जानिब से पोलिंग स्टेशन की फहरिस्त पर जवाब जारी। आरपीओ ने ए, बी और सी कैटेगरी के पोलिंग स्टेशनों की फहरिस्त जारी कर दी। मुल्तान के 450 और लोधना के 79 पोलिंग स्टेशन ए कैटेगरी में शामिल। खानेवाल में 106 पोलिंग स्टेशन ए कैटेगरी में शामिल हुए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मुल्तान में हसास पोलिंग स्टेशनों की इस सिक्योरिटी का मामला मजीद मालूम करेंगे बोर्ड चीफ मुल्तान रजा मलिक। रजा मलिक कहिएगा, मजीद क्या अपडेट्स हैं हसास पोलिंग स्टेशन को लेकर? जी बिल्कुल, हसास पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर अब पुलिस तैनात करने का फैसला किया गया है। जबकि जो हसास पोलिंग स्टेशन है वहां सीसीटीवी कैमराज भी नस्ब किए जाएंगे, जिनका कंट्रोल रूम से रब्ता होगा और उनको बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग की जाएगी। उनकी ओरिजिनल पुलिस ऑफिस ने हसासियत की बुनियाद पर जो है उनको ए, बी और सी कैटेगरी के पोलिंग स्टेशनों में तकसीम किया है और उसकी तहरीर जारी की है। बात करें अगर जिला मुल्तान की तो 1817 पोलिंग स्टेशन में से 450 पोलिंग स्टेशन जो है वो ए कैटेगरी के साथ करा दिए गए हैं। जिला बिहारी के 1255 पोलिंग स्टेशन में से 113 पोलिंग स्टेशन ए कैटेगरी में शामिल है। जिला खानेवाल के 1296 पोलिंग स्टेशन में से 106 पोलिंग स्टेशन ए कैटेगरी में शामिल है। जबकि जिला लोधरा के 680 पोलिंग स्टेशन में से 89 पोलिंग स्टेशन ए कैटेगरी में शामिल है और इनकी सिक्योरिटी के हवाले से भी इसी तरह से इंतजाम करने की हिदायत जारी की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ। हिदायत जारी कर दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। रजा मलिक, आपका शुक्रिया।